बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, मान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार। स्ट्रीज एंड Today I'm here to discuss with you all which stream needs to be selected after class 10th to moving of the class 11th student. So ye question arrive hua hai 2-3 din pehle and the comments are going to be more ahead in a very fluent way ki which stream needs to be selected by us if you are the student from 10th to class 11th moving student. So the problem is not which stream needs to be selected. The problem that occur that you don't know what the actual streams are available. So as we aware of the four streams that can be your in class 11th, that's comprised of your number one, medical or PCB, non-medical, that is your PCM, commerce, and the last but not the least we have humanity or art. So the problem occurs here कि which stream needs to be selected. Before going further, एक चीज़ मैं आप लोगों की बहुत अच्छे से क्लियर करने देना चाहती हूँ. किसी भी चीज़ को इवन दो अगर स्ट्रीम चूज करने की बात है, एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है कि क्या करें कैसे करें, एंड मेनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग न्यू बैचेज स्टूडेंट आर रख रहे. बट द बेसिक थिंग इज दैट कि टेक इट वेरी लाइटली. लाइटली व्हाट आई मीन कि जैसे आप कोई न्यू सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, लाइक योर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ है, साइंस है, एनीथिंग एल्स. सो सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट आपने लिया है, ठीक है, जैसे कि मैथ आपने उठाया, तो आपको पता है मैथ में क्या आएगा. मैथ में नंबर्स होंगे, नंबर से डीलिंग होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, एंड डैश एंड डैश. अगर आपने साइंस उठाया है तो आपको पता है उसमें केमिकल होंगी, कुछ फिजिकल होंगे, एंड डैश एंड डैश. अगर आपने आर्ट उठाया है तो आपको अच्छे से पता है कि उसमें पिक्चर्स होंगी, एक्सेट्रा ड्राइंग होंगी, एंड डैश एंड डैश. ये चीज़ें आपको कैसे पता चली? आपकी खोज से. व्हाट आई मीन भैया, सिंपल थिंग इज दैट कि किसी भी स्ट्रीम जब आप नाम सुनते हैं, डोंट गेट अफ्रेड. गो थ्रू ईच ऑफ द स्ट्रीम, वेदर इट्स अ मेडिकल और अ नॉन मेडिकल, कॉमर्स और इवन दो योर ह्यूमैनिटी और आर्ट. गो थ्रू ईच अंडर विद दी 10 days, ठीक है. 10 days के लिए, 10 days और 20 days, हाउ मच डेज यू वॉन्ट, गो थ्रू ईच ऑफ द स्ट्रीम, लुक आफ्टर देयर बेसिक बेनिफिट्स. वॉट द सेकेंड थिंग इज दैट, देयर बेसिक सिलेबस. देन द थर्ड थिंग इज दैट, देयर बेसिक रिक्वायरमेंट इन योर लाइफ. इज इट योर इंटरेस्ट? इज इट यू आर एबल टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम थ्रू आउट द ईयर? इज योर पैशन इज दैट? Is your aim is related to that particular theme or a stream? So what I spoke, that aim is related to your stream or not. ठीक है, तो एक पहली चीज़ जो मैं बता देती हूँ कि कोई भी स्ट्रीम, आप लोग कोई भी स्ट्रीम को सिलेक्ट करने से पहले बहुत सारे कन्फ्यूजन को ले आते हैं अपने सामने. जैसे कि एक सिंपल तरीका होता है कि आप उस स्ट्रीम को चूज़ करें जो आपके एम से रिलेट करें. अब एक और क्वेश्चन इससे अराइज हो सकता है कि अगर हमने कोई और स्ट्रीम ले ली है और मेरा एक पैशन या फिर एम दूसरा है, तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं? यू कैन, एंड होप सो. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में कि आप नहीं कर सकते. अगर आपके अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, और सबसे बेसिक थिंग कंसिस्टेंटली है. द बेसिक थिंग इज दैट कंसिस्टेंटली अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो फिर कोई भी चीज़ आप पा सकते हैं. द बट बेसिक थिंग इज दैट सिंपल कि आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए. सो एज वी नो यहाँ पे 4 स्ट्रीम है, मेडिकल, PCB, ठीक है. अब मेडिकल में आप जब इस स्ट्रीम के अंदर जाएंगे, आपको बहुत सारे थ्रू आउट सिंपल्स चीज़ें अच्छे से पता चलेंगी. यू नो व्हाट इज मेडिकल, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो PCB ले, किसी को UPSC, IAS क्लियर करना है सो दे कैन टेक ह्यूमैनिटी और आर्ट, ठीक है. अब एक क्वेश्चन जो राइज होता है, सेम क्वेश्चन कि अगर हमने PCB ले लिए तो क्या हम IAS या फिर UPSC क्रैक नहीं कर सकते हैं? अगर हमने ह्यूमैनिटी आर्ट ले लिया है तो क्या हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? अगर हमने कॉमर्स ले लिया है तो क्या हम इंजीनियर IIT नहीं बन सकते हैं? एंड इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अरोज होते हैं. बट डोंट गो थ्रू दीज. वट एवर द स्ट्रीम विल यू चूज, यू कैन बी एनीथिंग इन योर लाइफ. बट द बेसिक थिंग इज दैट अगर आप आर्ट ले रहे हैं, ह्यूमैनिटी ले रहे हैं, तो आपको एक आसान स्टेप मिल जाता है IAS या फिर UPSC क्रैक करने का. बट अगर आप मेडिकल ले रहे हैं, PCB ले रहे हैं, तब भी आप UPSC को क्रैक कर सकते हैं. बट द बेसिक थिंग इज दैट यू नीड मोर स्ट्रगल. थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है मेडिकल में आपको बायोलॉजी पढ़ी होगी, बट
In the UPSC, it comprises of your history, geography, civics and whole part of your history. So, ये कुछ basic things थी कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं on your stream. Go through each of the stream in very, very detail. क्योंकि यही एक जरिया है आपको किसी भी stream को समझने का और उसको बहुत अच्छे से समझने का. अब the basic thing is done कि don't never take any of the stream regarding its rupees. Rupees I mean कि इस चीज़ की medical की salary ज़्यादा है तो हम commerce नहीं लेंगे. Humanity में IAS, UPSC की salary ज़्यादा है, will not take the PCM. So, ये अगर आप इस माइंडसेट से चल रहे हैं कि दिस सैलरी इज गुड सो विल गो थ्रू दिस स्ट्रीम, नो, गो इन पर्टिकुलर योर इंटरेस्ट. अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में इंटरेस्ट नहीं है देन यू कैन नॉट गो इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम थ्रू आउट द ईयर. किसी भी स्ट्रीम को लेने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते. एंड द बेसिक थिंग इज दैट उस स्ट्रीम को आपको एक साल लगातार रखना है, उस स्ट्रीम के पीछे ही चलना है. और आई कैन से कि उस स्ट्रीम को अगर आपने बीच में ब्रेकडाउन किया, बिल्कुल आपकी मंजिल आपको मिलने वाली थी एंड यू ब्रेक डाउन दैट पर्टिकुलर थिंग, यू कैन नॉट एबल टू डू. सो कंसिस्टेंटली आपको उस पर्टिकुलर आपकी जो स्ट्रीम आपने चूज करी उसके पीछे वर्क करना है. अगर वर्क करना है तो द बेसिक थिंग इज दैट यू नीड टू बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम. अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है सो यू कैन नॉट गो थ्रू एनी ऑफ द स्ट्रीम. सो दिस वॉज ऑल कि क्या आपको स्ट्रीम, कैसी स्ट्रीम और किस तरह से आपको लेना है. द बेसिक थिंग इज एक प्रो टिप मैं आप लोग को देना चाहूँगी थ्रू आउट टू द एंड ऑफ द वीडियो कि अभी वेकेशन आपके स्टार्टअप होने वाले हैं एंड होप सो बहुत लोग के स्टार्ट हो गए होंगे, दैट्स ग्रेट. सो इन वेकेशन को क्या हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन एक अलग से भी अरोज हुआ है, बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या इस वेकेशन में हम लोग अपनी क्लास 11th, क्लास 10th, इवन दो दिस वीडियो इज नॉट कम्प्राइज्ड ऑफ ओनली फॉर क्लास 11th स्टूडेंट, हु आर क्लास 10th स्टैंडर्ड, हु आर न्यू क्लास 10th स्टूडेंट, हु आर क्लास न्यू इन क्लास 9th, दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग कि अर्ली अगर आप जितना भी कोई भी चीज़ हो उसको जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा. बेनिफिशियल इन वेज कि आपको उतना ही कम हार्ड वर्क करना पड़ेगा. स्मार्ट वर्क इज मोर गुड देन द हार्ड वर्क. व्हाट आई मीन या कि जितना अर्लियर आप शुरू करेंगे, अभी आपके वेकेशन है तो आप इसमें ही अपने एक पर्टिकुलर जो आपका एक स्टार्टअप होता है उसको बहुत ही स्ट्रांग कर लीजिए, अपने बेस को बहुत ही स्ट्रांग कर लीजिए, जिससे आगे चल के आपको जितने भी आपके प्रोसेस होंगे थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि पूरे ईयर आपको पढ़ना, ये नहीं है कि बीच में ब्रेक डाउन कर देना है, पूरे इंटरेस्ट से पूरे पोटेंशियल से हमें पूरे थ्रू आउट द वर्क ईयर कंप्लीट अप करना है, अपने गोल को अचीव करना है. तो इसी के साथ आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो एंड होप यू लाइक. And if you want any of the confusion if you have throughout the class 11th starting preparation timetable or any other, you can write in the comment box. I'll bring a video on your particular demand. If you are from class 10th, you can write your problem. I'll bring a solution for your particular demand. And the most importantly, please like and share my video so your friends moreover which have the problem regarding the starting of the class 11th can go through this amazing video and get the amazing steps from